इन तीन चार्ट से समझेंगे कि आने वाला हफ्ता जस्ट अ वीक आफ्टर दिवाली इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि काफी बड़े इवेंट्स हैं। जी हाँ, 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन आएगा। मार्केट ऑलरेडी 8% डाउन है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, तीन चार्ट में आपको दिखाऊंगा। पोलिंग एवरेजेस कांटे की टक्कर बता रहे हैं, 47-46%, और पिछली बार जैसा 2016 में देखा था हमने, स्विंग हो सकता है। ये 2020 का जो इलेक्शन था उसमें इतना स्विंग नहीं देखा था हमने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकली एनालिसिस बाय स्टॉको, एंड दिस इज जस्ट द डे आफ्टर मुहूर्त ट्रेडिंग। एंड स्टॉको टीम विशेस यू एंड एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो अ ग्रेट प्रॉस्परस ईयर अहेड। मे गॉडेस लक्ष्मी ब्लेसेस ईच एंड एवरीवन ऑफ यू विद अबंडेंस। कमिंग वीक, ये वाला वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आने वाले वीक में वोलेटिलिटी बहुत है। ऑब्वियसली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, 5 नवंबर को वो इवेंट होगा और 6 नवंबर को हम मार्केट में वोलेटिलिटी देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम तीन चार्ट देखेंगे जिसमें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हम एनालिसिस करेंगे और निफ्टी के लिए एक रणनीति बनाएंगे। ऑब्वियसली हम सबसे पहले वीकली चार्ट पर जाएंगे, ट्रेंड देखेंगे, और ट्रेंड के साथ साथ हम मार्केट की ब्रेथ देखेंगे। डेली चार्ट पर हम जब आएंगे, डेली चार्ट पर हम कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे और हमें ऐसे कौन से लेवल्स है जो ध्यान में रखने, वो हम आवर्ली चार्ट पर देखेंगे। ऑब्वियसली उसके साथ हम मोमेंटम और ट्रेंड वेलोसिटी इंडिकेटर देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी हम वीकली चार्ट पर ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे। काफी स्टक्ड है बैंक निफ्टी, ऑब्वियसली वीकली एक्सपायरीज नवंबर के मंथ से उसकी हट जाएंगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद हम डेली चार्ट पर उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे, कैंडल पैटर्न देखेंगे, क्या रेंज में है बैंक निफ्टी, या आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर्ली चार्ट पर जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर एक अच्छी सोची समझी रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। After this, we'll try to understand other data points such as FII, DII का data। मैं आपको थोड़ा historical perspective दूंगा उसमें। उसके बाद हम derivatives data पे आएंगे। Derivatives में हम open interest देखने की कोशिश करेंगे, next expiry के लिए open interest का concentration क्या है। उसके बाद other factors such as put call ratio के साथ साथ implied volatility जो obviously आने वाले week में spike हो सकती है, and post that हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे इंडिया का और यूएस का क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पूरे वीडियो का जस्ट यही है कि आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एज अ रिटेल ट्रेडर एक रणनीति के साथ ट्रेड या निवेश करना पड़ेगा क्योंकि वोलेटिलिटी हमको अफेक्ट कर सकती है। लेट्स स्टार्ट विथ वन एंड ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर द कमिंग वीडियो। देखिए, आने वाले हफ्ते में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट है। पोलिंग एवरेजेस 47-46% है, हैरिस के फेवर में 47% है, ट्रंप के फेवर में 46% है। कहीं भी स्विंग हो सकता है, नेक टू नेक लड़ाई है, तो काफी कुछ एक वोलेटिलिटी एक्सपांशन हो सकता है। पोस्ट दिस अगर आप बेटिंग मार्केट्स देखें तो ट्रंप के फेवर में 67% है, हैरिस के फेवर में 33% है। ट्रंप के फेवर में 67% है तो करंटली तो मार्केट ऑलमोस्ट सिर्फ 8% करेक्ट हुआ है। अभी 8% तो करेक्ट हुआ है, पर हिस्टोरिकली क्या रहा है? देखिए, लास्ट टाइम जब ट्रंप हुए थे तो मार्केट जो था 8971 से करेक्ट होकर नीचे की तरफ हमने ऑलमोस्ट 7916 तक के करेक्शन देखा था। अब ये करेक्शन करंट मार्केट लेवल्स पे ऑलमोस्ट हम 8.5% करेक्टेड है। हम अभी भी काफी कुछ सपोर्ट से बहुत दूर है, और अगर हम वो सुपर इम्पोज करें प्राइस पे तो वो कहीं ना कहीं 30,100 पे मिलता है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट, ये हमको ध्यान में इसलिए रखना चाहिए, लास्ट टाइम यूएस प्रेसिडेंशियल का जब इलेक्शन आया था, प्राइस इम्पोर्टेंट नहीं करता मैटर, बट 5.5% की वोलेटिलिटी थी। 5.5% की वोलेटिलिटी इंट्राडे बेसिस पे थी। इसलिए आप इस रणनीति में क्या करना चाहिए, इस इवेंट में क्या रणनीति रखनी चाहिए, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आने वाले वीक के लिए। देखिए, निफ्टी 24,205 के आसपास बंद हुई है, और ये 24,200-24,300 के जो लेवल्स है, इसमें से हम वीकली चार्ट पर जो देखेंगे ट्रेंड देखेंगे। अब वीकली चार्ट पर हम आकर अगर ट्रेंड देखते हैं और ट्रेंड के साथ साथ
एक सेकंड हम ये हटा देते हैं। हाँ, अब ट्रेंड के साथ साथ अगर हम ब्रेथ देखें तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे ही आए हैं और ट्रेंड हायर हाई हायर लो है। दिस इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन, बट ये 8% का है और अगर हम हिस्टोरिकली जाएं तो वो करेक्शन 23,200 तक आ सकता है। अब ये 23,200 मैं आपको आवर्ली पे भी दिखाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसका ब्रेथ एनालिसिस करें, ट्रेंड पॉजिटिव है ऑब्वियसली, बट मूविंग एवरेजेस के नीचे है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। बट अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवाइवल आया है और वो रिवाइवल हुआ है जो शॉर्ट टर्म में अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर आए हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 डेज मूविंग एवरेज को बीच करा है, उसमें एक स्पाइक आया है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बनाया, एक रिलीफ रैली जो होनी थी शायद वो हो चुकी है, मार्केट पर स्टिल एक रेंज में है। इसलिए नेक्स्ट वीक में जब वोलेटिलिटी अफेक्ट करे तो कौन से ऐसे लेवल से, तो देखिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो 24,500 पर है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगाऊं और आपको एक अंदाजा दूं तो यहाँ पर ये अगर आप देखें तो हम ब्रेड का चार्ट हटा लेते हैं और मूविंग एवरेजेस का, अब हमारे लिए मोमेंटम और वेलोसिटी इंडिकेटर्स काम करेंगे। देखिए आवर्ली पे अगर सबसे आप पहले देखें तो निफ्टी एक रेंज में है, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ बन जाता है, प्रीवियस स्विंग हाई 24,500 के पास, ये निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल है। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,800 के बाद। 24,800 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं 24,800 के आसपास लेवल आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की है, नीचे में सपोर्ट कहाँ है। देखिए इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी के लिए बनता है ऑब्वियसली वो एक जो स्विंग का लेवल है 24,200 पे बंद हुए हैं और 24,120 ये जो लेवल है ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ये टूटता है तो हम नीचे इसके इमीडिएट जो सपोर्ट आएगा वो 23,950 से 24,010, यही तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेयरिश ट्रेंड में है तो सपोर्ट काफी नियर में देखने पड़ेंगे और हमको उस हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी। लास्ट टाइम अगर आप देखें तो निफ्टी में जो करेक्शन आया था साइडवेज हुआ था, काइंड ऑफ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिया था, उसका कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट हुआ है। इस बार भी सेम डबल टॉप है ऑलमोस्ट पिछले बार जैसे, लोअर जो यू नो लोज है, जो स्विंग लोज है वो कहीं ना कहीं 24,120 24,130 के आसपास है, ये तोड़ते हैं तो 24,010, इसके नीचे आए तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, फिर 23,300 ही है सपोर्ट। तो डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है पर हमको लेवल के हिसाब से चलना है। दूसरा स्ट्रैटेजी जो है सेल ऑन राइज की रहेगी, अगर 24,500 के ऊपर निकलता है तो ही हम बोल सकते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल आया है और फिर हम शायद एक ब्रॉडर रेंज 24,900 से लेके 24,000 की एक रेंज में रहे। पर वोलेटिलिटी पिछली बार 5% थी, आप समझ कर रखें कि आने वाला हफ्ते में आपको जो डिसीजंस है या पोजीशन है काफी कुछ हेज्ड रखनी है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी के बाद हम बैंक निफ्टी देखते हैं, 51,927 की क्लोजिंग है और ये 51,927 की क्लोजिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में आई है। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर में वीकली एक्सपायरीज जो है वो अब हट रही है और बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो ये करेक्शन है, इसका जो रिट्रेसमेंट है वो नीचे कहीं ना कहीं 48,800 हमको पॉइंट कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड हायर हाई है पर अब मानकर चलिए ये एक लोअर हाई बना है और अगर बैंक निफ्टी नीचे 50,700 का सपोर्ट तोड़ती है तो शायद हम और नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो वीकली पे ट्रेंड भले ही पॉजिटिव है पर बहुत कुशल है क्योंकि लोअर हाई बना है चार्ट पे। अब डेली में अगर आप देखें तो वी आर इन अ रेंज और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसी रेंज में रह सकते हैं। तो ट्रेंड कहां पर हो सकता है, देखिए सबसे पहले 51,927 की क्लोजिंग है, पहला रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी के लिए वो 52,400 का बनता है, इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस है जो बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया है ऑलमोस्ट सिंस 8th of October, तो ये एक रेजिस्टेंस है। दूसरा अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टिल 52,650 के आसपास आ जाता है और वो 52,650 का रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये वाले लेवल्स पर आता है जहां पर मार्केट ने एक बार प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस लिया था। तो 52,650 और 52,400 52,400 and 52,650 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नीचे में सपोर्ट कहां पर है, 51,350, देखिए ये इमीडिएट सपोर्ट है,
51350 एक ऐसा सपोर्ट है, अगर इसके नीचे गया तो हमको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब और नीचे जा सकता है। अगर ये तोड़ता है तो दूसरा सपोर्ट बन जाता है 50700 का। तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी की रेंज है। स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली सेल ऑन राइज की है। इसमें ADX देखिए आप अभी भी 25 के नीचे है, मतलब कि ट्रेंड वेलोसिटी जो है साइडवेज है। आप बोल सकते हैं कि ट्रफ और पीक्स बन रहे हैं तो वो प्राइस में दिखेंगे और साइडवेज ही रहेगा। जो ADX का जो थ्रस्ट इंडिकेटर है, अगर आप उसको देखें तो ADX का जो थ्रस्ट इंडिकेटर फिलहाल तो वो बुल्स की साइड है, क्योंकि एक रिबाउंड देखा है। हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि ओवरसोल्ड है, एक रिलीफ रैली आ सकती है, पर अब हम रेंज में जा सकते हैं। अगर सेम चीज आप निफ्टी पर देखें, स्पेसिफिकली निफ्टी फ्यूचर्स पर, तो ADX कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ है, मतलब कि जो साइडवेज पीरियड था, हो सकता है अगर ADX 25 के ऊपर निकले तो वो वापस से एक हमको ट्रेंड देखने को मिले। बट जो DI है वो स्टिल बियर्स की साइड है, इसलिए हो सकता है आने वाले वीक में हमको एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिले। ये तो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब डेटा पॉइंट्स क्या है जो हमको ध्यान में रखने हैं। देखिए US इलेक्शन का मैंने आपको 3 चार्ट बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप ध्यान रखें कि इंट्राडे वोलेटिलिटी का जो एक घोस्ट है वो हमको वापस से अफेक्ट कर सकता है। FII DII में अगर आप करंट रीडिंग देखें तो फिलहाल एक दिन की रीडिंग है, बट FIIs ने अक्टूबर मंथ में ऑलमोस्ट 1,14,000 करोड़ की सेलिंग करी है। यह मैंने चार्ट पे हाईलाइट कर रखा है। देखिए FII का भले ही रोल इनसिग्निफिकेंट हुआ हो, बट अगर आप देखें तो जब भी इनकी कंसिस्टेंट सेलिंग रहती है, मार्केट एक करेक्टिव या साइडवेज फेज में होता है। तो इससे पहले ये अक्टूबर 18 में जो एक टॉप बना था तब हुआ था, अब हम ये वो सेम पैटर्न देख रहे हैं। तो अगर ये सेम पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू रहता है तो हम करेक्टिव फेज में ही रह सकते हैं, और एक रिन्यूड बाइंग ऑब्वियसली बनती है तो उसके लिए बहुत एक इम्प्रूव्ड ब्रेथ की जरूरत होती है, जो फिलहाल तो हमको अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो ये FII DII का एक डेटा है। ऑब्वियसली DII ने मोस्ट ऑफ द सेलिंग एब्जॉर्ब करी है। नाउ कमिंग टू एडवांस डिक्लाइन, पूरा हफ्ता हमने देखा था लास्ट टू लास्ट वीक एक करेक्टिव मार्केट में, सारे ही सेक्टर्स में एक आप बोल सकते हैं करेक्शन आया था, बट कौन से सेक्टर्स है जिसमें हमको रिन्यूड बाइंग देखने को मिलेगी। देखिए ऑटोमोबाइल सबसे पहले मिक्स्ड रहा है, उसके अलावा जो प्योरली बेरिश रहा है वो रहा है टेक्नोलॉजी स्पेस। टेक्नोलॉजी स्पेस में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा, और हो भी है क्योंकि दिस इज having a direct impact of the dollar fluctuation, and वहाँ पर बहुत speculation हो रहा है क्योंकि close call है 46-47% दोनों का है, तो इसलिए technology space में हमने selling देखी है। सबसे अच्छी जो improved breadth अगर आप देखें तो वो still finance में आई है, finance के बाद हम banking में देखिए आप वो आई है, और banking के बाद अगर वो आई है तो मिला जुला हमको देखने को मिला है FMCG में और cement में। पर अगर आप देखें तो केमिकल एक ऐसा स्पेस है जिसमें अगर हम टॉप जो फ्यूचर्स में नाम है उनमें देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो ये तो एक ओवरऑल सेक्टर का व्यू हुआ। फार्मा में जो सेलिंग थी उसमें एक रिलीफ देखने को मिला है, एंड ऑब्वियसली उसमें कुछ नाम ऐसे जिन्होंने 5% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। तो ये सेक्टर की बात हो गई, और सेक्टर में भी अगर आप देखें तो बैंकिंग, फाइनेंस और इन दी एंड एक मेटल्स ऐसा बन जाता है जहां पर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितने भी स्टॉक्स थे उन सब में तेजी देखने को मिली है। ओपन इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखिए निफ्टी का करंट अगर आप देखें तो 24,200 के आसपास जो ट्रेड कर रही है। अगर आप इसका कंसंट्रेशन देखिए ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का, तो मैं यहां पर आपको 2 पॉइंट हाईलाइट करूंगा, और ये 2 पॉइंट हमको काफी कुछ पूरे प्राइस एक्शन को भी बता देंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑन द हायर साइड अभी भी 24,400 से लेके 24,500 की रेंज पर है। हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वही 24,500 है, और वहां पर हमारी स्ट्रैटेजी भी मैंने बोला है कि हो सकता है ये चेंज करना पड़े। तो सबसे ज्यादा जो शॉर्ट बिल्टअप देखा है ऑन द कॉल्स फ्रंट वो 24,400 और 24,500 है। ऑन द डाउन साइड जो हमने देखा है वो इमिजिएटली अगर आप देखें तो 24,200 है, पर नीचे में जो वॉल इन, मतलब आप बोल सकते हैं लाइन इन द सैंड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल डिफेंड कर रहा है निफ्टी को, वो 24,000 है, क्योंकि स्विंग लो भी है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस लोज भी वहां से एक अपट्रेंड देखने को मिला है, और करंटली हम उसके बहुत नियर है। तो 24,000 इज द लाइन इन द सैंड जहां पर अगर
वो टूटता है तो एकदम हम आप बोल सकते हैं कि एकदम और शॉर्ट बिल्टअप देख सकते हैं, एकदम हम प्रेशर की सेलिंग देख सकते हैं और नीचे और जा सकते हैं। हमारे हिसाब से वो 23,200 नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। ओपन इंटरेस्ट अगर बैंक निफ्टी का देखिए, ऑब्वियसली थोड़ा सा म्यूटेड नंबर्स है, बट बैंक निफ्टी के अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखिए तो ऊपर में फिलहाल जो बैंक निफ्टी अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो वो क्लोज हुई है 51,927, बट ये 51,927 का जो नंबर है वो हमको रेंज क्या दे रहा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए एट द मनी तो ये हो गया, बट अगर आप ओवरऑल ब्रॉडर बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा चेंज हमको देखने को मिला है वो 52,500 ऑन द हायर साइड दिखा और ऑन द डाउन साइड 51,500 दिखा है। तो 52,500 के बाद अगर इमीडिएटली बेसिस पर देखें तो वो 52,200 ऐसा लेवल बन जाता है 52,200 जहां पर हमने शॉर्ट बिल्टअप देखा है। तो 52,200 52,500 एक ऐसा जोन है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड सीधा सपोर्ट 51,500 पर ही है और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा ओआई का वो चेंज आया था वो 51,700 पर था। तो ओआई चेंज और ओआई के हिसाब से 51,700 पे है जहां से जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन। अगर ये टूटता है, हमने चार्ट पे भी बताया 51,700 ही है वो सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो टूटता है तो सीधे नीचे हम 51,500 और उसके बाद और नीचे 51,000 तक के एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो लास्ट वीक ओवरसोल्ड थे, एक रिबाउंड देखा था और ऑब्वियसली वो रिबाउंड ने इंडिकेट भी करा था कि निफ्टी में एक रिलीफ रैली बन सकती है, ओवरसोल्ड जोन था। करंट क्या बोल रहा है, करंटली अगर आप देखें तो पुट कॉल रेशियो अभी भी 0.73 ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आया है और निफ्टी में फिलहाल अगर आप देखें तो उसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। अब ये पुट कॉल रेशियो तो यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में हो सकता है साइडवेज जोन के बाद एक डायरेक्शनल मूवमेंट आए, पर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ओआई चेंज होगा, ओआई चेंज होगा तो पीसीआर चेंज होगा, पर हमको प्राइस ध्यान में रखना है। अगर आप उसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखें एट द मनी की 16.7, काफी एक स्पाइक आया हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से ज्यादा ही हुआ है ये। अगर आप ब्लू लाइन और येलो लाइन का क्रॉसओवर देखें तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई व्हेन वी आर लुकिंग एट द ओआई ऑप्शंस मार्केट एंड दिस हैज लेड टू 16.7 एट द मनी आईवी। दैट मींस कि मोर देन अ परसेंट का एक इंट्राडे बेसिस पे तो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है मूव। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, पर बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो जो एकदम डाउनसाइड मूव आया था उसके बाद एक रिबाउंड आया, तो ओआई जो है फिलहाल एक रेंज में ही है। करंट ओआई की रीडिंग उसके लोअर लेवल्स पर है 0.64, ये एकदम से स्पाइक आ सकता है तो यहाँ पर आपको लेवल्स का ही ध्यान रखना पड़ेगा। एट द मनी आई वी एज यूजुअल आप देखें तो बैंक निफ्टी की हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी तो इंक्रीज है, ऑब्वियसली एक साइडवेज मोमेंटम से हाई स्पाइक आई थी, पर अगर आप देखें तो आईवी में भी एक अपसाइड का स्पाइक आया है। अब ये आईवी का जो अपसाइड स्पाइक है ये कहीं ना कहीं 17.3 है, थंब रूल लगाकर देखें तो वो कहीं ना कहीं यही बोल रहा है कि देखिए ऑन एन इंट्राडे बेसिस वी कैन सी अ मोर देन परसेंटेज मूव इन बैंक निफ्टी। तो इन दोनों बात का आप ध्यान रखना कि दोनों ही इंडेक्स में एट द मनी की आईवी में स्पाइक है, वी मे सी A spike in price action and volatility. अब volatility आएगी तो options की premium भी बढ़ेंगी। Options की premium IV में जब भी तेजी आती है तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही होगी, put और call दोनों की IVs में हमको jump देखने को मिलेगा और IVs का मतलब उनके price में भी देखने को मिलेगा। Data front पे India में domestic front में इतना कोई important data नहीं है। HSBC का जो कंपोजिट और सर्विसेज का डेटा है और एक PMI का डेटा है, परचेज मैनेजर इंडेक्स, तो उसका डेटा है, कंसेंसस थोड़ा सा ज्यादा है और सेम थिंग इज विद कंपोजिट एंड सर्विसेज। नाउ ऑन द ग्लोबल फ्रंट वी हैव द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन ट्यूजडे, दैट मींस योर वेडनेसडे मॉर्निंग इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हम लोग बहुत ग्लूड रहेंगे न्यूज और अपडेट्स के साथ और वो निफ्टी में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, फेडरल यूएस इलेक्शन हुआ उसके बाद फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, तो आप ये मानकर चलिए 50 बीपीएस हुआ था, अब वो क्या रहेगा डिसीजन, क्या डेटा पॉइंट स्टडी होगी, वो भी 8 नवंबर को आएगा। तो ट्यूजडे से लेकर फ्राइडे तक के वी हैव टू बी ऑन अवर टोज टू लुक एट द मार्केट। दिस इज ऑल वी हैव इन दिस वीडियो।
these are the support and resistances which we have shared for the next week. उनको ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाइए. स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज है, इमीडिएट ट्रेंड हमने देखा है, उस हिसाब से आपको रणनीति दी है. आई होप यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑब्वियसली हैप्पी दिवाली अगेन फ्रॉम स्टॉकोटी.